एल्विस बाय। हे नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो गाइज, अदनान 07 ने एल्विस यादव से नया लफड़ा मोल ले लिया है। वो अपने ब्लॉग्स में बोलते नजर आए कि तुम मुंबई कभी आओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से खातिरदारी करूंगा। अब इन्हें कौन बताए कि खातिरदारी दिल्ली गुड़गांव वाले से अच्छी कौन कर सकता है। देखिए क्या कहा अदनान 07 ने। कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा मैं हमारे एल्विस भाई। तो तुम्हारे लिए गिफ्ट है भाई, तुमने मेरे लास्ट वीडियो का जवाब नहीं दिया, मैं अंदर था, धपाधप बैक टू बैक वीडियो बनाए, अभी तुम्हारे सब सवालों का जवाब दिया हूँ, काउंटर किया हूँ, थोड़ा आओ सवाल जवाब करो और बताओ कब आ रहे हो मुंबई, खातिरदारी का मौका दो, कमजोरों पे बहुत ताकत आजमाए हो, कभी आओ इधर। वैसे भी तुम बोलते हो तुम कितनी हाइट है इसकी, 6'2" खड़े खड़े उठ लेते ना भाई, हाइट वाइट कुछ मैटर नहीं करती है, फटके इधर। सेकंड अपडेट है नेजी के लिए। कल कटारिया और बाकी के कुछ फ्रेंड्स नेजी के घर गए उनके फादर से मिलने, जिसमें नीरज गोया जो इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हैं वो भी नजर आए। भाई बहुत तगड़े बाड़ा गए सारे, बॉम्बे 70, मुंबई क्या बोलता है सर, मुंबई मुंबई क्या, एक नंबर के नेजी ऐसे करता है 70, कुछ ऐसे करता है नेजी का बेस्ट फ्रेंड नीरज भाई ने 3 दिन बहुत उनके राग सुने भाई। नेजी ने चीज सिखाई मुझे ऐसे करके, इसका मतलब जी वो है साइन लैंग्वेज, इसका मतलब एच, इसका मतलब इंडिया। तो जी तीसरा अपडेट है एल्विस यादव की तरफ से, जिसमें सना मकबूल के बिग बॉस OTT 3 के विनर बनने पे एल्विस ने रिएक्शन देते हुए कहा, जीतने के बाद भी चर्चे तो हारने वालों के ही ज्यादा हैं, जिसमें वो कटारिया और अपनी फैन फॉलोइंग के बारे में बताना चाह रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने वीडियो में, आइए जानते हैं। कटारिया जब आउट हुआ उसके बाद बिग बॉस की व्यूअरशिप बहुत कम हो गई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस बार सना मकबूल विनर बनी तो वाला हुआ मचा, वो विनर बनी विनर बनी, ऐसा था कि इट वॉज जस्ट लाइक नॉर्मल, नोबडी नोज इट। मम्मी कसम खा रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं कि वो वाले मेरे को क्रेज नजर नहीं आया कि भाई ओहो सना जीत गई। ऑल दो मेरे को पसंद थी वो, मतलब पसंद है अभी भी, मैं स्टार्ट से बोलता हूँ कि जब से उसने एंट्री ली है कि भाई सना मकबूल इज गुड डिजर्विंग, हमेशा से वो कहती है कि मुझे विनर बनना विनर बनना, नो डाउट विनर भी बनी, उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन मेरी साइड से, बट मुझे वो वाला हवा नजर नहीं आया। हवा समझ रहे हो तुम लोग की चर्चे हो जाते हैं, जैसे कि वो फलानी वो जीत गई वो जीत गई वो जीत गई, वैसे वाला पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से मेरे इंटरनेट में दिक्कत होगी या फिर पता नहीं मेरे फोन में दिक्कत होगी, जो भी दिक्कत होगी। बाकी हमारे कटारे भाई की जर्नी बहुत अच्छी रही, उसने मोटरसाइकिल भी जीती है किसी, पता नहीं कौन सा, कुछ मैंने सुनने में आया कि मोटरसाइकिल जीती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज के लिए सब्सक्राइब बटन पे हथौड़ा फेंक के मारो या पकौड़ा, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।